अस्सलाम वालेकुम। शाब भाई और सुनाए, क्या हाल है? ठीक है, मज़े में, तबीयत ठीक है। और आज माशाल्लाह से शाब भाई हमारी छत पे आए हुए, और थोड़ा सा एक छोटा सा शौक दिखाना था अपने भाइयों को, अपने फ्रेंड को, अपने प्यार करने वाले प्यारे प्यारे भाई। सारे कबूतर बड़े शौक से देखते हैं और शौक से पसंद करते हैं, और बाज़ मेरे भाई मेरे दोस्त मुझसे कबूतर परचेस भी करते हैं, और उनकी मोहब्बत ये है कि उनको हम ऑनलाइन भी भेज देते हैं कबूतर, और इसके अलावा पहुंचा भी देते हैं बंदे के ज़रिए जैसे उनका दिल चाहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज आपको हम डब वालों का शौक कराएंगे। और ये एक खरगोशी जोड़ा है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा जोड़ा है, और इसका भी आपको शौक कराएंगे इंशाल्लाह। आँखों का भी, पर का भी, जिस्म का भी, टहलते हुए दिखा रहे हैं हम इनको कैसे टहल लें। हमारी रिहाइश नाजमाबाद, कराची, पापोश नगर, कराची। और आप देख सकते हैं कबूतर हमारे हाथ के थे, और कुछ हमने दे दिए हैं, कुछ इनमें से आज भी हमारे पास है। और ये डब्बाला जोड़ा, हम इनको डब वाले गुच्छे वाले भी कहते हैं, और कराची के अंदर ज़्यादा तौर पे इनको कहते हैं, मशहूर कबूतर हैं ये यहाँ के। 40 वाला इनका नाम रखा हुआ है हम कराची में, हम लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, हमने मिल के नाम रखा है। और ये बहुत अच्छी ब्रीड है, और ये एक हमारे सियालकोटी कबूतर छत वाले और डब वालों का क्रॉस है, और ये इंतहाई बहुत ही मजबूत हो चुके हैं, ये डब वालों से ज़्यादा उड़ते हैं, और इनकी कारकर्दगी उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनमें सियालकोटियों के बग़ैर भी कबूतरबाजी अधूरी है, और टेडियों के बग़ैर भी कबूतरबाजी अधूरी है कराची। और अच्छा है कि गोल्डन, टैडी और सियालकोटी कबूतर इनका मिक्सचर खेलें तो इंशाल्लाह कबूतर बहुत ही नयाब अच्छी ब्रीड देते हैं, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। आप हम बुलाएंगे शाहब भाई को कि वो आपको शौक कराएं, और अब चलते हैं हम शाहब भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम शाहब भाई। शुक्र है अल्लाह का एहसान है आप भाइयों की। अस्सलाम व्यूअर, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शहाब, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान का सिंधी जन से आपसे मुखातिब, और आज एक बार फिर मौजूद हैं जनाब रजाक भाई ऑफ कराची की छत पर पापोश नगर में, और उनके डब वाले कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं, 2 घंटे से मैं पर्सनली भी यहाँ पर शौक कर रहा था, तो उनमें सबसे पहले कबूतर मैं आपको दिखाऊँगा, वो मेरा मोस्ट फेवरेट कबूतर जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का एक छोटा सा क्लिप है सिर्फ जो है डब वाले कबूतरों को लेकर, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको कबूतर मैं दिखाने लगा हूँ, रजाक भाई थोड़ा सा आपको और जहमत करनी पड़ेगी मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएँ। ये जो कबूतर है रोशनी अच्छी आती है, रिजल्ट देखिएगा वीडियो का कैसा आ रहा है जब मैं कबूतर दिखाने लगूं। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे देख लें, ये मेरा मोस्ट फेवरेट कबूतर है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल ये अपना आप छोड़ रहा है और छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बहुत मजबूती से इसको पकड़ना पड़ रहा है, बहुत बुरा मनाने वाला कबूतर है। इसकी मैं आँख का शौक भी आपको करवाऊँगा, लेकिन आप पहले इसको ऐसे देख लें, और ये देखें कबूतर क्योंकि डिस्टर्ब बहुत है हाथ में, तो ये इसकी आँख है। माशाल्लाह इस टाइम 60 लोग हमें देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा ऊंचा कीजिएगा मोबाइल,
ये इसकी ये आँख है, ये इसका कुंदा है, बगल देखें इसकी या हाला, ये इसकी गोलाई चेक करें, लंबाई चेक करें, और ये आखिर के परों का जो कर्व है माशाल्लाह वो चेक करें, कैसे पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है, पूरी ये सीढ़ी है, वसत देखें इसके पर की, देख रहे हैं आप वसत, ये देखें स्प्रिंग है माशाल्लाह इससे कुंदे के अंदर, और ये देखें कहाँ तक कुंदा मैंने खोल दिया है, बगल लेकिन वहीं की वहीं है, ये देखिए इन परों को भी गौर से देखिएगा, इस पर को भी गौर से देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा कुंदा मैं दिखा देता हूँ जल्द से जल्द, कबूतर बहुत परेशान हो रहा है हाथ में, वीडियो ऑडियो और वीडियो कैसी आ रही है लाजमी बताइएगा। डब वाले कबूतर रज़ाक भाई ऑफ कराची, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तकरीबन 6 से 7वीं मरतबा मैं इनके पास आया हूँ, और ये पंजों का कलर चेक कीजिएगा, लंबे बारीक नाखून है, ठीक है। और ये जो इसका, क्योंकि जो डब वाले कबूतर हैं बेसिकली, डब वाले कबूतर जो हैं वो मेरे इल्म के हिसाब से जो मुझे सिखाया गया है या बताया गया है, बताया किसने है उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि ददियाल से ये मिस्से हैं, ननियाल से ये कमक्कर हैं, बेसिकली जो इनको बनाया गया है। मेरी आप बात से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, तनकीद बरा तनकीद तो नहीं लेकिन तनकीद बरा इसलाह ज़रूर कर सकते हैं कमेंट में भी, ठीक है। ददियाल से ये मिस्से कबूतर हैं बेसिकली, और ननियाल से ये कमक्कर है, इन दोनों को जब मिलाया गया है तो एक ब्रीड तैयार हुई जिसको डब वाला कबूतर कहते हैं, ठीक है। और इसका बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है कबूतर का, मुकम्मल केंडे में कबूतर है, ठीक है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जोड़ा रज़ाक भाई के पास और मौजूद है जो कि मैं अलग रख दिया आपको दिखाने के लिए स्पेशली, खरगोश अखे कबूतर का इनको कहा जाता है, मादी भी इसको हम दिखाएंगे। और सबसे पहले इस कबूतर को आप दोबारा से एक बार देख लें, ठीक है, तो दुम भी आप देख लें इसकी, सिंगल पत्ते की दुम है, ठीक है। और ये सातवां पर भी इसका ऊपर है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। और मादा को शौक कराने से पहले अब कैमरा को हम लगाते हैं स्टैंड पर ताकि आप आराम से शौक कर सकें, सही है जी रज़ाक भाई, ठीक है जी। दूसरी डिवाइस में मेरी में देखिएगा कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है ताकि शौक ख़राब ना हो। और ये इसी पेयर की मादा है जो नर मैंने आपको दिखाया, इसी की मादा है, ठीक है, ये पूरा लगा हुआ जोड़ा है, अपनी डिवाइस में देख लें, बहुत सही है, ठीक है जी। ये मादीन है जी, रिंग चेक करें इसका, वाटर रिंग जो नूर के बराबर में है वो देखें, लाल ज़र्रात देखें, इसकी बेस देखें, बेस के अंदर जो है ना कबूतर अपना आप बता देता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। बेस जो है ना आँख के नीचे की बहुत मायने रखती है, ये काम रज़ाक भी जो आप कर रहे हैं ना बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, बहुत ही आला। और व्यूअर्स मुझे कहते हैं देर तक आँख दिखाया करें, तो वो कहें और मैं ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिएगा, ये इसकी आखिर का रिंग भी देखिएगा, ब्रीडर रिंग देखिएगा, ठीक है। नीचे के इनके जो झिल्ली है वो माशाल्लाह कितनी शफाफ है, देखें ये जो बिल्कुल जो मैं पलक हटा रहा हूँ, हटाने के बाद एक आपको झिल्ली सी नज़र आएगी, ठीक है, जो आँख के डायल के बाद आ रही है वो भी कितनी शफाफ है। चले जी, आँख का शौक आपने यकीनन कर लिया होगा। तो ये सकुंदा है, अच्छा इस बार मैं कराची में एक बात नोट कर रहा हूँ, कबूतर कुरीज ही अपनी मुकम्मल नहीं कर पा रहा, अल्लाह जाने क्या वजह है। मेरे पास जो कबूतर हैं उनमें भी यही मसला है कि कबूतर जो है ना कुरीज पूरी नहीं कर पा रहा,
अभी तक कबूतरों के पर झड़ रहे हैं, ये फ्रंट है जी इसका, ठीक है जी। और ये इसका आप ऐसे देख लें डिज़ाइन, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा अथरे हैं, तंग, ये देखें कितना तंग कर रहे हैं। तो दादा जी ये जोड़ा आप दिखाएंगे, ठीक है जी, ये आप दिखाएं। पहले इनके बारे में बताएं कि कैसे कबूतर हैं ये और क्या कहेंगे। मैं तो खरगोश अखा कहूँगा इनको। ये बेसिकल खरगोश अखे ही कबूतर है जी, ये बेसिकल तो खरगोश अखे ही कबूतर है, और ये कमग्गर और डब वालों के ही ब्रीड के कबूतर होते हैं, ये कोई अलग ब्रीड के कबूतर नहीं है। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आपस में ज़्यादा मिलाते हैं जो प्योर ब्रीड के लिए, तो उनमें इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आप इनको आपस में बंद आंखों वालों को लगाएंगे तो इनकी आंख बंद आंख ही निकलती है, और इनको डायमंड कबूतर भी कहा जाता है, और डब वाले भी कहते हैं हम लोग, कमग्गर कबूतर भी कहते हैं, क्योंकि इन कबूतरों में ये पता होता है कि ये डब वालों में से निकले हुए हैं या ये कमग्गरों में से निकले। ये कसूरी जो लाल आँख के कबूतर होते हैं, आपस में जब ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं तो इनकी आँखें बंद हो जाती हैं। अमूमन ये ज़्यादा तौर पर डब वालों से निकलते हैं। ठीक है, अब इसका आप शौक कराएंगे और ये इसकी आंख है जी। तो इसकी एक और ख़ास बात जो आप अभी कर रहे थे, अगर आप वो शेयर करना चाहें। असल में शेयर तो मैं कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर लोग इस चीज़ को यकीन करते नहीं है। सही है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा जब वो करें तो उसके बाद वो किसी को बोले जी नहीं ऐसा नहीं है, अभी दिन का टाइम है। सही है, तो मैं कर नहीं सकता, वरना मैं आपको जो है ना ये करके भी दिखाता, और अगर आप बोलेंगे तो मैं ये रात में आप तो मेरे पास ही है मगरिब तक, तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, एक क्लिप इसके लिए भी बना लेंगे। चलें ठीक है, इसको सस्पेंस रहने दें। इसको जब हम पकड़ते हैं ना यूं, सही, इस तरफ से मैं लाइट दूंगा इसको, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च दे दें या वैसे भी कोई भी टॉर्च होगी, तो जो इस तरफ की आंख है उसके अंदर ऐसे लगेगा जैसे पूरा जीरो बल्ब चल रहा है, आप दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा ये जीरो बल्ब चल रहा है। सही है, तो इनकी खसलत ये होती है, उनमें कोई नीलापन नहीं आएगा, ऐसे आएगा जैसे याकूती अनार किसी ने अंदर रख दिया हो, इस टाइप की आंख, और बड़ा मज़ा आता है। और ये आप करके भी देखना इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बड़ा मज़ा आएगा। और ये हाथ में तो बहुत ही बुरा मानते हैं कबूतर, नगीने हैं जी माशाल्लाह से, पलक भी इसकी डबल है, गुलाबी पलक का कबूतर है, गुलाबी नोक का कबूतर है, और इनकी उड़ाने भी अच्छी है माशाल्लाह। इन कबूतरों की आंख को जो है ना कैमरा नहीं दिखा पाता, ये इंसान की आंख ही देख सकती है, और बहुत बुरा मान रहा है कबूतर भी है। ये बड़ा मसला है, देखें दसवां पर, देखें अभी तो झाड़ में है कबूतर। ऑडियो वीडियो यकीनन आप तक बेहतर आ रही होगी, देखें दसवां पर भी कैसा बारीक लंबा और बल लेता हुआ है, और आखिर की जगह देखें इसका कोना, ये किस तरफ टन ले रहा है। तो उड़ान वाले कबूतरों में ये चीज़ ज़रूरी है, और बहुत अच्छी बात है जिन कबूतरों में ये हो। ये पर भी देखें माशाल्लाह से इसके, और अब आपको दूसरा पर का भी शौक कराते हैं। अब आपको दुम का शौक कराए, पूरी दुम मैंने बंद कर दिया, और देखें ये एक पत्ते पे दुम होगी। इसकी मादीन का भी शौक कराएं, मादी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इसके बाद इसके पेयर का मुकम्मल शौक करवाऊंगा मैं। और फौरन जाके झाड़ते हैं कबूतर खुद को, इतने सेंसिटिव हैं माशाल्लाह से, पकड़ना इनको। भी कुरीज में है, गंजी हो रही है, कबूतर कैसे लग रहे हैं लाजमी बताइएगा। अभी भी झाड़ में है। बहुत शुक्रिया तमाम तर भाइयों का जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने कमेंट किया, ठीक है जी। क्योंकि बगल भी देखें माशाल्लाह से बारीक परों के कबूतर हैं ये, उनका कोई भी पर देख ले बिल्कुल बारीक होगा और ऊपर से चौड़ा होगा, बहुत ज़बरदस्त। ये उड़ान के कबूतरों में भी बहुत अच्छे होते हैं, अभी भी कुरीज में है,
और इसकी दुम का कलर भी देखें ऐश, अभी भी झाड़ में है कबूतर, झाड़ नहीं ख़त्म हो रही। मैं बड़ा परेशान हूँ घर में जो है ना, सारा दिन खुड्डे से सिर्फ परी साफ करता रहता हूँ। चलें जी, तो ये पूरा फेयर है, और क्योंकि सेंसिटिव बहुत हैं ये, चलें जी। अब चलते हैं जी दूसरे पेयर की जानिब, और यहाँ मेरे ख़्याल ज़्यादा बेहतर है रज़ाक भाई, यहाँ थोड़ा सा बेहतर आ रहा है रिज़ल्ट। ये पेयर आज हम वाकई जो कबूतरबाज होंगे वो बोलेंगे, इस बात को मानेंगे भी। ये कबूतर हमारे डब्बाले और सियालकोटियों को हमने क्रॉस किया है, सही है। तो इनका रिज़ल्ट माशाल्लाह सबसे पहली बात है बहुत अच्छा है, और इनकी आंखों का रिज़ल्ट भी आप देखेंगे तो आप बोलेंगे गलत कह रहे हो रज़ाक भाई, ये है नहीं, और ये हमारे दोस्त के घर की ही ब्रीड है जहाँ से ये बच्चे आए, तो इसलिए हम दावे से कह सकते हैं कि ये बात सच है, वरना हम ये दिखाएंगे भी। ऐसे करके पहले तो पेयर दिखा दें, आप ऐसे पकड़ें मेरे साथ ही, ऐसे करें। कैमरे में देखें आ रहा है, कैमरे में आएगा, नहीं आएगा तो ले आएंगे। अभी चाय की तलब हो रही है, अब चाय अभी आ जाएगी, चाय का मसला। सबसे पहले इसकी आँख आप देखें, और बहुत ही ज़बरदस्त आँख है, क्योंकि ये डब्बाला सियालकोटी पर दोनों मिला के तैयार किया गया है, ठीक है। और मुझे पर्सनली कबूतर ही अच्छा लगा, लेकिन दिखाना ज़रूर चाहूँगा। एक रिज़ल्ट और है, आप जब हम इनके अंदर टैडी लगाते हैं तो ये इतने अच्छे हो जाते हैं उड़ान के हिसाब से, जितनी तारीफ करो कम है। देखें इसका, और ये भी देखें, क्लियर है, क्लियर है। डब वाले ने ज़्यादा काम कर दिया इसमें, ठीक है जी। डब वाला पर जो है पहले दस्ते, जो भी इसका माँ, जो भी इसका अगर डब वाला जो होगा, उसने ज़्यादा इसमें काम कर दिया हुआ, क्योंकि मैं डब वालों का ये, क्योंकि क्रॉस तो है ये, लेकिन माँ या बाप जो भी डब वाली ब्रीड से होगा, उसने इसमें ज़्यादा काम किया। कर्व चेक करें आखिर के, ठीक है, कैसे ये तलवार नुमा अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। गेंडे में माशाल्लाह दुम है इसकी, पंजे आपको तकरीबन हर कबूतर के इस टाइम पे जो मैं दिखाऊंगा आपको सेम ही मिलेंगे, लंबे जामनी, ठीक है जी। और कबूतर टिक नहीं रहे रज़ाक भी आपके हाथ में आज, ये शायद कह रहे हैं कि जो है ना वो हैंड सैनिटाइज़र लगा के आओ, रुक जा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये इसी की मादीन है जो आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें देखें आप कि इसमें सियालकोटी ज़्यादा काम कर गया हुआ, ठीक है जी। वो कैसे, क्योंकि इसकी आँख के बाद एक रिंग आता है जिसे वाटर रिंग भी कहते हैं, नूर के बराबर में जो रिंग आ रहा है, पूरा पूरा सियालकोटी बता रहा है। आखिर का जो ये रिंग है, ये वाला रिंग जो पूरी आँख के बाहर रिंग है, पलक के नीचे का पहला रिंग, ये देखें आप, सियालकोटी चीख चीख के कह रहा है कि ये सियालकोटी हूँ मैं, ठीक है। और आँख के ज़र्रात भी जो हैं माशाल्लाह, ये भी आपको बता रहे होंगे। लेकिन सबसे जो मेन निशानी, अगर सियालकोटी पकड़ना हो किसी ने, तो ये जो रिंग आ रहा है नूर के बाद, जो फटा हुआ रिंग आता है एक तरह से, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये सियालकोटी रिंग को, सियालकोटी ब्रीड को साबित करता है। बाकी उस्तादों को पता होगा जी, ये देखिए, ये माशाल्लाह पर है इसका। अब इसके पर का डिज़ाइन और उसके पर का डिज़ाइन भी मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें सियालकोटी पर ने ज़्यादा काम किया, ठीक है जी। और अगर इस जोड़े को आप मतलब अलग अलग कर देंगे और टैडियों में डालेंगे, तो माशाल्लाह और अच्छा काम करेंगे ये। आपस में भी रिजल्ट बहुत अच्छा, आपस में भी रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एक तीसरा ब्लड भी आ जाएगा ना इनके अंदर, परवास के लिए, परवास के लिए तीसरा ब्लड आ जाएगा अगर इसके साथ कोई टिपकल नर डाला जाए, क्योंकि मैं खुद आपको पता ही है जुनूनी हूँ, टिप खुला को टैडी नर डाला जाए।
आपको पता है परवाजी कबूतर के पीछे में कैसा, परसों जब आप मेरे पास आए थे तो उस टाइम पे परवाजी कबूतरों पे डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, बाद मेरे दोस्त भाई ये कहते हैं कि जो प्योर ब्रीड है ना वो उड़ती नहीं है। सही है, जो प्योर ब्रीड है वो भी उड़ती है, मगर उड़ान से उसका ताल्लुक ये है कि उड़ान उनकी थोड़ी कम होती है। जब हम उनको क्रॉस करते हैं ना तो उनमें डबल खून होता है तो तेज़ी हो जाती है। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, जैसे एक घोड़ा है, जब हम उसको गधे से क्रॉस करते तो वो खच्चर बन जाते हैं, तो वो गधों से ज़्यादा वेट उठाते हैं और घोड़े से ज़्यादा वेट लेकर चलते हैं। ना वो घोड़ा काम कर सकता है ना वो गधा कर सकता है। तो इस तरीके से कबूतरों को भी जब उड़ान में अगर आपने लेना है तो उसको क्रॉस करना बहुत सख्त ज़रूरी है। जब आप उसको क्रॉस करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी उड़ानों में बहुत इजाफा हो जाएगा। प्योर ब्रीड में फिर लोग हमता भी कर देते हैं, इसीलिए फिर कबूतरों का डामाडोल हो जाता है, ब्लड लाइन जिसम अलग हो जाता है, फर अलग हो जाते हैं। मतलब अलग से मुराद मेरी ये है कि मतलब वो हमता होने के बाद दुमे फैल जाती हैं, जिसम जो है ना वो फरबा हो जाते हैं कहा जाए तो। बहरहाल हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी की अपनी सोच है, हर इलाके के हिसाब से कबूतर अलग बनता है, हर इलाके के हिसाब से बॉडी अलग है, हड्डी अलग है। ठीक है, बाकी अपने अपनी पसंद का है। ये जंगली भी पकड़ लो, इसको भी दिखा देता हूँ। तो रजा भी हाथ खाली है मेरे, कबूतर नहीं है। अब आपने बोला था तीन जोड़े, तो मैंने दिखा दी, तीन जोड़े दिखा दिए। तो अब एक और कोई अच्छा सा दिखा दो कोई, इसके बाद मैं आपके जो भी आप दिखाने या एक और नहीं एक और कबूतर दिखाएं जी। अभी खुजली कहाँ मिट्टी आपकी, तो वीडियो कैसी लग रही है? और कोई भी दिखा दें, वीडियो कैसी लग रही है लाजमी बताइएगा। आज थोड़ा मूड अच्छा है तो बातें भी ज़्यादा कर रहा हूँ, अमूमन बातें इतनी करता नहीं हूँ वीडियो के दौरान। गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, दोस्तों की फरमाइश है कि ये कबूतरों का शौक दोबारा कराएं एक दफ़ा। अच्छा, पिछली बार जब इनके छत्ते में आया था, माता दादा की बात कट रही है रजाक भाई, पिछली बार इनके छत्ते में आया था तो ये कबूतर मैंने दिखाए थे। और इन कबूतरों की ख़ास बात ये है कि इनकी इतनी बाहर है ना आँखें, मैंने आज तक किसी कबूतर की नहीं देखी। मतलब अगर मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये देखें, लग रहा है कोई टच बटन आँखों में डाला हुआ है। ये देखें, ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास ये ब्रीड है माशाल्लाह से, और अच्छी ओरिजिनल हालत में है। आप ये जिसके पास भी होंगे और हमारे पास भी प्योर हालत। ठीक है, दोबारा वो नर दिखाएं रजाक भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, रिकॉर्डेड भी बनाना है तो टाइम क्योंकि कम है, उसके बाद एक और वीडियो है। ये देखें, देख रहे हैं जी इनकी आँखें, मादा की आँखें नर से ज़्यादा आउट हैं। ये देखें, अब इसकी आप आंख का शौक कर लें। ठीक है जी, जब ये भी पट्टी पट्टे हैं पहले दस्ते। ओहो, ये देखें परों की माशाल्लाह चौड़ाई चेक करें। ठीक है, अच्छा मुझे पर्सनली तौर पे ना अपने व्यूवर्स से मैं शेयर करूँगा कि आपको मैं ये पर दिखा रहा हूँ, और इस पर के ऊपर ये नोक नज़र आ रही है आपको, ये ताज वाला पर। उसकी वजह ये है, मेरे वालिद साहब ने भी कबूतर रखे हुए थे तो उस टाइम पे कबूतर उड़ता था जिसके इस तरह के पर होते थे। वालिद साहब बोलते थे मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो बस बचपन से एक बात है सीख ली भी है। जिस कबूतर के पीछे चांटा पड़ा था मुझे, ये भी याद है। आपको तो चांटा पड़ा है और मैं तो जो है एक एक हफ्ता घर से बाहर सोया हूँ भाई। मेरे घर में ये बोल दिया कि अगर घर में कबूतर होंगे तो मैं घर में आऊँगा, वरना घर में ही नहीं आऊँगा। नहीं सर, वो तो मेरे तो खैर दादा अबू वालिद साहब दादा मैं फिर मेरी दोनों बेटियाँ माशाल्लाह, लेकिन ये देखें आखिर के परों की चौड़ाई भी चेक करें। मेरे वालिद का भी शौक था मगर कम था, मखसूस था शौक, गोलाई चेक करें। वो कहते थे कबूतरों को फिर दाना डालो और कुछ बोलो नहीं। मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया था कि वो कबूतर को आपने खोलना नहीं है, और वो दरअसल नफ्ता कबूतर था। उसके बाद वो कबूतर मैंने आज तक दोबारा उस हालत में इतनी जगह जाता हूँ नहीं देखा। मतलब इस कबूतर को अगर आपको नज़र आ रहा हो, इस कबूतर को आप इतना कर दें, इतना, ठीक है, तो इतना बड़ा वो नफ्ता कबूतर था, ऐश कलर उसकी मतलब छापे थी, हम कराची में मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ सिल्वर छापें कह लें, टिप खुली हुई थी, बड़ा चौड़े सीने का कबूतर था।
और उस कबूतर में ऐसी ख़ास बात थी कि वो कबूतर उस टाइम पे जब मैं चांटा लगा था वाले साहब से, तो उस टाइम भी वो हमारे पास तकरीबन 8 साल से था और बच्चे भराता हुआ कबूतर, बस बाहर निकलता था जोड़ा, क्रॉस लिया उन्होंने, ठीक है, क्रॉस लेके मादा वापस उड़ के एक चक्कर खा के जो है ना खुड्डे में चली जाती थी और नर गायब, 4, 5, 6 घंटे, 7 घंटे गायब। तो मेरे वाले साहब ने मुझे मना किया कि आप इसको नहीं खोलना, लेकिन बस उस टाइम मैं तकरीबन मैट्रिक में था, मैंने खोल दिया उस कबूतर को और उस कबूतर को बाज ने अटैक किया। अटैक करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी थी, वो बचा, लेकिन आया छत पे आके गिरा और वालिद साहब ने उसको अपने हाथों से सिया और सबसे पहले तो मुझे चांटा लगाया कि तुमने खोला क्यों। तो वो चांटा जो काम कर गया जी, और ये वीडियो आप बनते हुए देख रहे हैं तो बस वो जुनून है जो मरते दम तक रहना है, क्योंकि मेरे भी ब्लड में कबूतर हैं, होश संभाला तो कबूतर देखें जी अपने घर में, ठीक है जी। अब आपको लद्दाख भी सारे फिर एक साथ दिखा दें, काफ़ी वाफर मकदार में यहाँ कबूतर उनके पास मौजूद हैं रज़ाक भाई के पास, ठीक है जी। तो मैं जाता हूँ जी अंदर और रज़ाक भाई बैठेंगे बाहर। अब मुझे आप एक काम कीजिएगा, मेरी दूसरी डिवाइस में देखिएगा कि यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छा, ये देखें जी, या अंदर हाँ आएगा आएगा, थोड़ा वेट करें। इसका कलर चेक कीजिएगा जी, अच्छा ये कबूतर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ओहो कामयाब ये, कूट कूट के परवाद भरी है जी इस कबूतर में मेरे नाक के सिरम के मुताबिक। ठहर जाओ बेटा ठहर जाओ, नहीं जी नहीं ठहरना इन्होंने, नहीं आ रहा, बस थोड़ा सा इसके पे हाथ लगा ले और देखिए अंधेरा तो नहीं आ रहा उधर, नहीं नहीं सही है, बल्ब लगा दूं क्या? हाँ लगा दो, कबूतर था जो आपको दिखाया था, ठीक है जी, ऐसे भी शायद अच्छा ना आए ना, कबूतर कैसे लग रहे हैं? मेरा ख्याल है व्यूअर्स कबूतरों में खोए हुए मेरे, और कमेंट कोई नहीं आ रहा जी। बाबे को भी देख लें जी आप, रज़ाक भाई क्योंकि हमारे भाई हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं हमसे, तकरीबन इनके और मेरे घर में तकरीबन 27 से 28 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये तशरीफ़ लाते हैं। परसों मेरे साथ ही थे और साथ में रात का हमने खाना खाया, चाय पी, तकरीबन 2.5 घंटे तक मीटिंग रही, कलर मुझे अच्छा लगा इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको। असल ये इस कलर के कबूतर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छापे भी इसकी बहुत अच्छी हैं, छोटी हैं, बारीक छापे हैं, छोटी छापे हैं, तरतीब से हैं। लद्दाख भी ज़रा डिवाइस पे देखिएगा मेरी रिजल्ट कैसा आ रहा है, मोहम्मद इरफान साहब बहुत शुक्रिया, और रज़ाक भी कहाँ तशरीफ ले गए आप, आ जाइए जी भाई, बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद इरफान भाई अब आप जी ये करेंगे मेरी तरफ,
ठीक है जी, मेरी तरफ तो मेरी तरफ आ गया भाई, कोई बात नहीं, चेंज करें, ये हो गया जी। अब आप रखेंगे मेरी तरफ जी, और एक कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा जिसकी छापें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, जो मैं कह रहा था आपको। तो कबूतर माशाल्लाह हैं भी एक जैसे और वाफिर मिकदार में हैं, यही था जी। अब एक कबूतर मुझे, इसका मोबाइल टेढ़ा हो रहा है जी, देखिएगा सही हो। अब इस कबूतर की छापे भी मुझे अच्छी लगी, ठीक है। और इसकी उम्र क्या होगी रजा को, इस कबूतर की? ये कबूतर अभी एक साल का होगा, एक साल हो सकता है बाद में और बने। दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा, नहीं नहीं है, ठीक है। अब इस कबूतर का आप सबसे पहले जो है बैलेंस देखें दम का, ठीक है। और अच्छा उस्ताद आजाद भट्ट साहब भी देख रहे हैं, दम का बैलेंस देखें, ठीक है। छोटी दम है, कोई इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ऐसे करने की ज़रूरत है, ठीक है। और सत्तवा उत्ते जे जी, इतनी पंजाबी आती है माशाल्लाह। रजाक भाई कह रहे हैं जी, वो उस्ताद जी आपको जी क्या कह उस्ताद आजाद भट्ट साहब कह रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। और भी जितने मेरे दोस्त कह रहे हैं सबका बहुत, और बहुत बड़ी में। कोई बात नहीं, हाथ लग गया होगा आपका, ठीक है। ओहो ठीक है, छोटी छोटी इसकी अबरियाँ हैं, तरतीब से हैं। कलर इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, कान भी इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। गुच्छा सा ये बना हुआ नज़र आ रहा है, आँख इसकी आप देख लें, मोहम्मद इरफान साहब कराची से कबूतर हैं ये, रजाक भाई के कबूतर हैं, ठीक है जी। पंजे भी देख लें इसके, बहुत यार सारे कबूतर आपके ऐसे हैं कसम से, हाथ में आने नहीं चाह रहे हैं, देख रहे हैं लंगोट के, ये यहाँ तक माशाल्लाह इसकी लंगोट है, ये देखें सारे राज उगलवा लें आज रजाक भी हमसे, बस ऐसे ही है। ये देखें जी कितनी गाढ़ी इसकी लंगोट है, ये देखें तरतीब ख़राब कर दी मैंने, 6-7 पर तो मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। आज उस्ताद जी ने बड़ा कूटना है मुझे, और ये देखिए देखिए सामने डब वाला बैठा हुआ, ये दिख रहा है ये वाला, इसके बराबर वाला, ये वाला जी, ये वाला, ये नीला जी, नीला डब वाला, अच्छा। इस कबूतर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कबूतर और एक सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में, मैं दोबारा दिखा भी देता हूँ जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, कि ये कबूतर जो है ना वो बना सकते हैं, वो कलर बना सकते हैं उस तरह के, लेकिन वो वाले कबूतर ये कबूतर नहीं बना सकते। बहरहाल मेरा ये नॉलेज है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सीखने के अमल से गुजर रहे हैं और सारी ज़िंदगी सीखते ही रहेंगे। ये देखिएगा इसका रिंग देखें कितना शफाफ है, आखिरी रिंग जो है, ये जो पलक के नीचे जो पहला रिंग है कितना बारीक, कितना कितना ज़बरदस्त रिंग है माशाल्लाह से, ठीक है जी। बिल्कुल ऐसी एक मादा मेरे पास मौजूद है, सोच रहा हूँ ये रजाक भाई से जोड़ा ही ले जाऊँ जी, पूरा नर ही ले जाऊँ ये बना के ना, बिल्कुल डिटो, ऐसा लग रहा है कि बहन भाई हैं वो। इसके जिस्म के ऊपर तक पे रेशे हैं, ये इतना मुलायम है, ये देखो, अगर ये रेशा मेरे कैमरामैन दिखा सके आपको, ये देखो ये देखें, ये ऊपर वाला भी नज़र आ रहा है, वो आप कैमरा एक ही जगह रखिएगा रजाक भाई, क्योंकि ये लाइव है, लाइव में अपनी मर्जी से ये क्लियर होगा, ये देखें नज़र आ गया होगा मेरे व्यूवर्स को, ठीक है। और चलें बाकी चीज़ें रहने दें, ऐसे ही देख लें, पुलिस कबूतर ख़त्म नहीं कर रहा, ये बड़ी परेशानी की बात हो गई है।
और अच्छा इसी के जैसा लगा भी एक और कबूतर था जो मैंने इस कलर का कबूतर वो पीछे खड़ा हो कहाँ दीवार के साथ देखे हाँ ये आ गया ये बिल्कुल ये कबूतर जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कबूतर था और है माशाल्लाह आज का सबसे पहले मैंने इसी को दिखाया है आपको ठीक है जी। और क्यों पसंद है क्योंकि बस दिल को लगने वाली बात होती है ठीक है जी। ये देख लें जी उस्ताद आज़ाद भट्ट साहिब अगर देख रहे हैं तो ये देख लें जी उस्ताद जी ये कबूतर मुझे अच्छा लगा रात पे आके इससे आपको डिस्कशन करूँगा इस पर मज़ीद कुछ क्वेश्चनर होंगे इसके ऊपर डिस्कशन होगी ऐसे ही सीखा जाता है जी। और इसका रिंग मुझे बहुत अच्छा लगा आप पुतली देखें कैसे माशाल्लाह इधर उधर इधर उधर ठीक है जी। पलक का कलर देखें और इस कबूतर में भी वो ख़ासियत है कि इससे आप चाहे तो वो बना लें वो कबूतर ये नहीं बनाएंगे ये टिकेगा नहीं हाथ में। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कबूतर की लगी सबसे अच्छी बात इसके कांटे मुझे डब वालों में इस तरह के बिल्कुल हल्के कांटे पसंद हैं। गुच्छे वाले कबूतर भी अच्छे हैं नो डाउट मैं खुदा ना खासा ख़राब नहीं कह रहा उनको लेकिन अपने अपने पसंद की बात होती है। अब जैसे टैडियों में मिसाल के तौर पे अगर 5 किस्म के टैडी हैं तो किसी को जरकान आंख के पसंद है किसी को सफ़ेद आंख के पसंद है किसी को लंबी नोक के टैडी पसंद है ठीक है किसी को काली चोंचों के ठीक है वो पसंद है किन को सरारे पसंद हैं किसी को जो है वो मुख्तलिफ जो है वो नस्लें हैं तो सबकी अपने अपने पसंद की बात होती है ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे अपनी पसंद की बात करूँगा जाहिर सी बात है। तो ये आप इसका ऐसे डिज़ाइन देख लें थोड़ा रदाक भी मोबाइल को आगे कीजिएगा ये देख लें कबूतर बिल्कुल भी अपने हाथ में आना पसंद नहीं कर रहा। और अगर ये गंडा भी इसका इस कलर का होता ना तो रदाक भाई से मैं लड़के भी ले जाना था इसको। पंजे देखें जी आज मूड अच्छा है यार पता नहीं क्यों घबरा और रदाक भाई वो भी दिखा दे ये कहाँ गया जो डब वालों का क्रॉस है यार एक तो कोई मादी भी दिखा दूँ ना मैं व्यूअर्स को ये है? ये सामने बैठी है दिखा दे ये वाली कोई वो वाली दिखा दे वो तो दिखा दी वो हाँ ये दिखा दे चलें जी मादियों की तरफ ये चलते हैं। मादियों का फुकदान तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से घर में देखा है जी नर मेरे पास भरे रहते हैं माशाल्लाह मादी नहीं मिलती। और ये तो आम जिंदगी में भी सबक है इंसानों में नर आपको कम मिलेंगे कबूतर वादी में मादियाँ कम मिलेंगी। 1000 जोड़ा भी रख लो फिर भी बंदा सोचता रहता है फलां की मादा नहीं है फलां की मादा नहीं है। चलें ये इसका पर देख लें कुंदा देखें बगल कैमरा मैंने बड़े अच्छे करते हो रदा हुई जी बिल्कुल ऐसा ही है। चलें फिर मैं हायर कर लेता हूँ आपको ना कोई ऐसी बात ठीक है जी। और मेरा बचपन से ही शौक है मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी भी हूँ। अच्छा तो उसमें हम नहीं ले जा रहा कबूतर नहीं ले जा रहा ये मार्शल आर्ट का नहीं डर रहा हूँ मैं ये मार्शल आर्ट का मैं ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डॉन हूँ और अपने टाइम का वक्त का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं खिला फील्ड के हवाले से जैसे कबूतरबाजी में तो वो इसी तरीके से मेरी वहाँ भी इज्जत करते हैं बोलते नहीं यार रदाक भाई आपका इखलाक भी और आपकी फाइट भी दोनों ही बेहतरीन है। नहीं ले जा रहा भाई कबूतर तुम ये मार्शल आर्ट से नहीं डराओ आप ना डरे मार्शल आर्ट के बना माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। मार्शल आर्ट का हमें नहीं बताओ कि मैं मार्शल आर्ट फला है वो बिल्कुल बताएंगे आपको आपको नहीं डराएंगे तो किसको डराएंगे। नहीं ले जा रहा मेरा ख्याल है अब ये थोड़ा सा ये जी वो वाला दिखा ये शॉप भी करा देते हैं जी ये भी करा मादिया क्योंकि मैं आपको दिखाने लगा हूँ और एक ये बाबा भी दिखा दूंगा बाबा बहुत बड़ा ये जी बड़ा कबूतर है मेन ब्रीडर कबूतर है हमारा और थोड़ा सा आगे कीजिएगा रजाक भी ताकि मैं देख सकूँ ये कबूतर हमारा ब्रीडर है बहुत बाबा जी बहुत अच्छे बच्चे निकालता है। उस्ताद आज़ाद भट्ट साहब भी कमेंट नहीं कर रहे उस्ताद आज़ाद भट्ट भी मेरे ख्याल है कि हैंग हुए हैं कबूतर देख के ये और कमेंट नहीं आ रहा जी ये उसी के ही पट्ठों में से बाबा के ये पट्टी है
ये देखें रिंग देखें, इतने बारीक रिंग हैं, इतने शफाफ रिंग हैं कि कैमरा भी इनको कैप्चर नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, बेड़ा गर्क कर देते हैं, हाथ में पकड़ो तो। ये देखें कैसे झटके मार रही है कि ये रुक जाओ बेटा रुक जाओ। ये देखें, सॉरी जी कॉल आ गई थी दरमियान में, माजरत उसके लिए। यार ये कॉल करते हैं पता नहीं क्यों बीच में यार। और अगर कोई एक मैंने आपको बोला था सियालकोटी का बटर भी होगा, जोड़ा भी दिखा क्रॉस। हाँ जो बाहर दिखाया था जी जी वो भी यहाँ शॉप का। थोड़ा सा आगे कीजिएगा मोबाइल को, इस कबूतर की काफी ब्रीड है हमारे पास, चेक कीजिएगा। पुराना कबूतर है, ठीक है जी, बाबा कबूतर है, ऐसे कबूतरों को हम नाम देते हैं बाबा। इतनी उम्र का भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं शाह भाई। पुराने से मुराद बड़ा कबूतर है, ये कम से कम 4 साल का कबूतर होगा, 3 से 4। बड़े से मुराद हम कहते हैं, पुराने से मुराद के मतलब बड़ा कबूतर है आपका, पुराना कबूतर, बाकी सब इससे उम्र में छोटे हैं सब। नहीं हाँ ज्यादा तौर पे यही सबसे बड़ा है मेरे ख्याल से। ये देखिए ये 4 साल का कबूतर है माशाल्लाह, और इसके गुच्छे हार देखें कैसे हैं, हेलमेट वाले हम इनको बताने की सर जरूरत ही नहीं है ना जी जी। इस पे मैं कमेंट इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो खुद बता रहे होते हैं जी। बिल्कुल सही है। अच्छा वो मेरा ख्याल है कि ये जो आप कह रहे थे वो ये मादा है, ये मादा थी मेरा जी जी बिल्कुल ये मादा है, याद होगा तो एक ही पीछे नर बैठा हुआ है, यही मादा थी ना? नहीं नहीं ये नर आपके पीछे बैठा हुआ, ये पहले तो इसको ये नर आपको मैंने बाहर भी दिखाया था, सियालकोटी क्रॉस डब वाला, बहुत अथरे कबूतर हैं भाई, हाथ में आना ही नहीं चाह रहे। अमजद रऊफ साहब बहुत शुक्रिया, सियालकोटी क्रॉस डब वाला बाहर भी दिखा चुका हूँ, दोबारा भी दिखा रहा हूँ आपको, उम्मीद है आपको शौक अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी दिनों बाद कबूतर मैंने सोचा दिखाए जाएँ तो अच्छे ही दिखाए जाएँ, क्योंकि वीडियो हालात की पेशी नज़र जो है आपको पता ही है कि हर बंदा ही परेशान है, क्रीज कर रहा है, आखिरी आखिरी कलियां ला रहा है। इन कबूतर बिल्कुल जो है ना कि आँख में वो बात है माशाल्लाह। ये चेक करें ये पियर है हमारे। अमजद रऊफ साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आबाद रहें। पियर बाहर भी दिखाया है, मादा भी इसकी मैं दिखा देता हूँ। कोने पे बैठी हुई है ऊपर दोबारा, ये बैठी हुई है वो सामने बैठी हुई यही वाली। कॉल में बड़ा परेशान किया यार, तसलसल टूट जाता है। ये इसी जोड़े की फीमेल है क्योंकि सियालकोटी क्रॉस है तो इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया वाजे है, ठीक है, और आँख में वो ये हाला देख रहे हैं इसका, ये बगल है इसकी। कबूतर ने सत्यानाश कर लेना हर कबूतर, ये देखिए। और इसके पर अगर आपको कैमरा दिखा सके मेरा कि पर ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट पर है, देख रहे हैं कितना ट्रांसपेरेंट पर है, आर पार बिल्कुल नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है जी, आखिर की कलियां देखें, आखिर के 3 पर देखें, और ये 7वां पर जो है इसका, ये काला पर, इसमें आप देख रहे हैं ये खंजर नुमा जो यूं ये चलें जी। और अगर भी इजाज़त चाहें फिर जी कुछ और भी नहीं बिल्कुल, तो अब रिकॉर्डेड वीडियो बनाएंगे, बहुत फॉर्मलों के वीडियो बनाइए आज, और हंसी मजाक के साथ तफरी के साथ बिल्कुल, और जितना मतलब बता सकता था अपने नाकिस इल्म के मुताबिक, क्योंकि कोई भी बंदा जो है परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है किसी भी शोबे में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है ज़िंदगी में, ठीक है। और जाते जाते जो है
एक आखिरी कबूतर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, फीमेल है मादा है जी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शौक मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रूर राय दीजिएगा कमेंट में कि कबूतर कैसे लगे रजाक बे ऑफ कराची। अगर आप चाहें तो इनके कबूतर परचेज भी कर सकते हैं 0315 आगे नहीं पता 22 22 50 50 90 90 5 5। जब आप रजाक भैया कॉल करेंगे ना, इनका सलाम सुन के पिघल जाएंगे माशाल्लाह। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी कॉल सेंटर पे कॉल कर लिया, किसी आईवीआर पे कॉल कर ली है। ठीक है जी, ये आप लोगों की मोहब्बत है भाई। ये पंजे देखिएगा, इससे मार रही है जी। बुरा मार रही माता है, और फ्रंट देखिएगा इसका। ठीक है जी, ये छापे हैं जी इसकी। ऐसे देखने कबूतर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है हाथ में। ठीक हो गया, कुंदा है। मोहम्मद इरफान साहब बहुत शुक्रिया, और बार बार कोई व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा था, उससे तो मैं बाद में पूछता हूँ। माशाल्लाह मादा है, लेकिन साइज नरों वाला है। आँख चेक कीजिए, ठीक हो गया जी। एक छोटा सा शौक, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शौक अच्छा लगा होगा। कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। आपका भाई आपका दोस्त शहाब, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी किसी और छत पर, किसी और कबूतरों में, कुछ और कबूतरों में। रात में भी एक कवरेज मुमकिन है, हो एक अखट है कराची में, तो इजाज़त चाहेंगे जी आपसे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।